नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सुहासिनी आपका NIOS स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम वैज्ञानिक अन्वेषण, इसका संप्रत्यय एवं स्वरूप विषय पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक अन्वेषण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करने के उपरांत आप क्या कर सकेंगे, पहले हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। आप वैज्ञानिक अन्वेषण के संप्रत्यय को समझ सकेंगे, आप इस इकाई के अध्ययन के बाद वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक कौशलों से अवगत हो सकेंगे। एक विज्ञान शिक्षक के रूप में शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक अन्वेषण में संलग्न करने में निपुण हो सकेंगे। विभिन्न प्रकरणों से संबंधित अन्वेषण प्रक्रियाओं का आयोजन कर सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विज्ञान विषय में वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी प्रकरण एवं संप्रत्यय के विषय में छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण किसी घटना के कारण की खोज करना तथा उसका स्पष्टीकरण देना है। वैज्ञानिक अन्वेषण एक पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। किसी समस्या के विषय में उसके विभिन्न पक्ष क्या होते हैं, इस विषय में चिंतन करते हैं, किंतु इस प्रक्रिया में सभी अपने तरीके से समस्या के हल को खोजने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक व्यक्ति यदि किसी समस्या को किसी एक विधि से हल करता है तो दूसरा व्यक्ति उसी समस्या को हल करने के लिए किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रक्रिया में कई विविधताएं हैं जो आवश्यकता, अनुभव, पूर्व ज्ञान, प्राप्त संसाधन, रुचि, उद्देश्यों आदि पर निर्भर हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण अधिगम का एक आयाम है जिससे भौतिक और प्राकृतिक विश्व के संबंध में जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों का विवेचन करके नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। यदि हम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह प्रक्रिया प्रमुख रूप से 6 चरणों में पूर्ण होती है। यह चरण है, पहला समस्या का कथन करना, दूसरा परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा प्रयोगात्मक प्रारूप का नियोजन करना, चौथा प्रदत्तों का संकलन करना, पांचवा प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण करना और अंतिम चरण है निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। यदि हम एक विज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को यह अवसर दें कि वह किसी भी समस्या का समाधान वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति से करें, तो हमें एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों को इन 6 चरणों में निर्देशित करते हुए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम छात्रों को यह सिखाते हैं कि वह सदैव अपने परिवेश में सजग रहें तथा अपने अंदर निरीक्षण क्षमता का विकास करते हुए किसी भी समस्या का अवलोकन करें। यदि हम इस पद्धति को अलग अलग चरणों में समझना चाहें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे प्रथम चरण में समस्या की पहचान की जाती है। वैज्ञानिक अन्वेषण का प्रारंभ समस्या के चयन से प्रारंभ होता है, जिसका समाधान एक अन्वेषक के रूप में हमें खोजना होता है। यदि आप एक शिक्षार्थी के रूप में सजग हैं, आप अपने परिवेश में लगातार निरीक्षण करते हैं, कहाँ कहाँ पर समस्याएं हैं, वह कौन कौन से तथ्य या प्रत्यय हैं जिनका आपको स्पष्टीकरण खोजना है, इस आधार पर आप अपनी किसी समस्या का चयन करते हैं। उस समस्या के लिए संभावित समाधान भी आपके दिमाग में होते हैं। यदि हम किसी समस्या से परिचित हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं उन समस्याओं के संभावित समाधान भी उपस्थित होते हैं और यह संभावित समाधान हम अपने पूर्व अनुभवों या
उपलब्ध तथ्यों के आधार पर देते हैं। इन्हीं संभावित समाधानों को देने की प्रक्रिया परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो द्वितीय चरण में यदि हमारे पास कोई समस्या होती है तो एक अन्वेषक के रूप में हम सर्वप्रथम किसी एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि यह विशिष्ट समस्या किस समाधान की तरफ अग्रसर हो सकती है और हमें कौन कौन से प्रयास करने हैं जिससे इस विशिष्ट समस्या का समाधान हम खोज सकते हैं। अगले चरण में जिस परिकल्पना का हमने निर्माण किया है उसकी सत्यता की परख करना आवश्यक होता है। परिकल्पना की सत्यता को परखने के लिए उचित प्रायोगिक प्रारूप का निर्माण किया जाता है। यदि आपने किसी समस्या विशेष के लिए किसी एक समाधान को प्रस्तुत किया है तो वह समाधान सत्य है या असत्य है उसके लिए आपको एक प्रायोगिक प्रारूप का निर्माण करना होता है कि आप उस समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार से प्रयोगों का आयोजन करेंगे तथा आप उन प्रयोगों को करते हुए किस प्रकार समाधान की तरफ अग्रसर होंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि यदि हमें विज्ञान विषय में बच्चों को विलेयता या अविलेयता का परिचय देना है तो हमें ऐसे प्रायोगिक प्रारूप का नियोजन करना होगा जहाँ पे छात्र प्रयोग करते हुए विभिन्न पदार्थों को जल में घोलें और घोलते हुए या देखें कि कौन सा पदार्थ विलेय है या कौन सा पदार्थ अविलेय है। यदि हम एक समस्या के रूप में यह देखते हैं कि जो हमारा चौक का पाउडर है वह जल में विलेय होता है या अविलेय होता है तो निश्चित रूप से हमारे पास परिकल्पना के रूप में दो विकल्प हैं। एक हम यह कह सकते हैं कि चौक का पाउडर जल में विलेय है अर्थात वह जल में घुल जाता है और दूसरा यह विकल्प है कि हम यह कहें कि चौक का पाउडर जल में अविलेय है या जल में नहीं घुलता। किंतु इन दोनों विकल्पों को जांचना बहुत आवश्यक है और यदि हम वैज्ञानिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति में आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम यह प्रयास करते हैं कि हम इस विषय को प्रयोगों द्वारा सत्यापित करें और यह देखें कि यह विलेय है या अविलेय है। इसी प्रकार हमारे पास और भी पदार्थ हो सकते हैं। यदि हमें यह जानना है कि जो नारियल तेल है या जो दूध है वह जल में विलेय है या अविलेय है, नमक है, चीनी है, गंधक है, यह जल में अविलेय है या अविलेय है, तो हम बारी बारी से इन सभी पदार्थों को जल में घोल कर देखते जाएंगे तथा उचित प्रेक्षणों को नोट करते जाएंगे और इस संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को संलग्न किया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रायोगिक प्रारूप के द्वारा हम विभिन्न प्रयोगों को करते हुए प्रेक्षणों को नोट करते जाएंगे। वैज्ञानिक अन्वेषण की अगले चरण में हम यह प्रदत्त संकलन का कार्य करते हैं। प्रदत्त जो विभिन्न प्रेक्षण आपने लिए हैं उन प्रेक्षणों को आप एक जगह इकट्ठा करते हैं। प्रायोगिक प्रारूप के आधार पर आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया जाना ही प्रदत्तों का संकलन कहलाता है। जब आप विभिन्न प्रकार के प्रदत्तों का संकलन कर लेते हैं तो आपके पास यह अवसर होता है कि आप उन प्रदत्तों को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित करने का कार्य करें। अन्वेषण पद्धति के अगले चरण में हम प्रदत्तों का विश्लेषण करते हैं। संकलित प्रदत्तों से तर्कसंगत उत्तर प्राप्त करने हेतु प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है। आपने अपने प्रायोगिक प्रारूप में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक एक करके जल में घोला और घोलने के बाद यह देखा, यह प्रेक्षण लिखे कि कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है और कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है। तो इस प्रकार आपके द्वारा विभिन्न प्रेक्षण अब विश्लेषण के लिए तैयार हैं कि आप यह विश्लेषण कर सकें कि वह कौन कौन से पदार्थ एक तरफ किए जा सकते हैं जो जल में घुल रहे हैं और उन्हें हम विलेय पदार्थ कह सकते हैं
तथा वह कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको जब आपने जल में घोल के देखा तो वह जल में नहीं घुल रहे हैं अर्थात अघुलनशील हैं और उन पदार्थों को हम अविलेय पदार्थ कह सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रदत्तों का विश्लेषण करके निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अंतिम चरण में निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परिकल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हुए समस्या का समाधान प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषण की पद्धति में जब आपने प्रदत्तों का विश्लेषण किया तो आप अंत में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष के आधार पर आप यह बताते हैं कि आपके द्वारा जो परिकल्पना निर्मित की गई थी अर्थात किसी समस्या विशेष के लिए आपने जो समाधान सुझाया था क्या वह समाधान सही है या किसी दूसरे वैकल्पिक समाधान की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। जैसे हमने अपने उदाहरण में एक समस्या कि चौक का पाउडर जल में विलेय है या अविलेय है इस विषय पर दो परिकल्पनाएं निर्मित की थी। एक तो यह कि यह विलेय है और दूसरा यह है कि चौक का पाउडर जल में अविलेय है अर्थात यह नहीं घुलता। इस परिकल्पना को हमने अपने प्रयोगों द्वारा करके देखा और जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब हम चौक के पाउडर को जल में घोलते हैं तो प्रारंभ में तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि जल में घुल गया है लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर रुक कर उसको देखते हैं तो पुनः यह देखा जाता है कि वह पाउडर जल में नीचे एक तली पर बैठ जाता है और पूर्णतः वह एक अविलेय पदार्थ है अर्थात वह जल में अघुलनशील है। तो हमारी परिकल्पना कि चौक का पाउडर जल में अघुलनशील है सत्य सिद्ध होती है और इसकी जो वैकल्पिक परिकल्पना थी कि चौक का पाउडर जल में घुलनशील है असत्य सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष में पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में संलग्न होने के लिए कुछ बुनियादी कौशल अत्यंत आवश्यक होते हैं और एक शिक्षक के रूप में आपका यह उत्तरदायित्व है कि विज्ञान विषय का शिक्षण करते समय आप शिक्षार्थियों में यह कौशल विकसित करने का प्रयास करें। सबसे पहले छात्रों में निरीक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए। वैज्ञानिक अन्वेषण प्रक्रिया का प्रारंभ निरीक्षण की प्रक्रिया से ही होता है। निरीक्षण की प्रक्रिया ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों द्वारा संचालित होती है। एक शिक्षक के रूप में हमें शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि उन्हें अपने परिवेश में सदैव निरीक्षण करते रहना चाहिए क्योंकि किसी भी समस्या की उत्पत्ति निरीक्षण की प्रक्रिया द्वारा ही होती है। यदि हम अपने परिवेश में लगातार निरीक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखाई देंगी और उन समस्याओं से अवगत होते हुए हम उन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। अगला कौशल वर्गीकरण करना। वर्गीकरण एक ऐसा कौशल है जिसके आधार पर हम वस्तुओं तथा विचारों को संबंधित समूह में रखते हैं। विज्ञान विषय के शिक्षार्थी के रूप में यह आवश्यक है कि हमारे अंदर यह गुण हो कि हम वस्तुओं के गुणों की समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में रख सकें। वैज्ञानिक अन्वेषण का अगला गुण मापन करना है। यदि हम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रयोगों का आयोजन करते हैं तो हमारे अंदर उन प्रयोगों के आधार पर विभिन्न प्रकार के मापनों का कौशल भी होना चाहिए। मापन की विभिन्न प्रविधियों तथा परीक्षण के उपयोग की क्षमता भी एक शिक्षार्थी के रूप में हमारे अंदर होनी चाहिए। अगले कौशल के रूप में प्रदत्तों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। यदि आप वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में अग्रसर हैं तो प्रदत्तों को शब्दों तथा तालिका से संप्रेषण करना आपको आना चाहिए। यदि आप विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक प्रारूपों में प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रदत्तों को प्राप्त करते हैं तो उन प्रदत्तों को किसी निष्कर्ष की तरफ अग्रसर करने के लिए यह आवश्यक होता है कि आप उन प्रदत्तों को उचित रूप से
व्यवस्थित करें। अगला कौशल है प्रदत्तों का अर्थापन करना। यदि आप प्रदत्तों को विश्लेषित करते हैं तो आपके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि आप प्रदत्तों का उचित रूप से अर्थापन कर सकें, अर्थात प्रदत्तों की व्याख्या कर सकें। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के साथ उनकी प्रदत्तों की व्याख्या करने में उचित रूप से सहायता करनी चाहिए, क्योंकि निम्न स्तरों पर विज्ञान के शिक्षण में शिक्षार्थियों की मानसिक योग्यता इस प्रकार से विकसित नहीं हुई होती है कि वह प्रदत्तों की उचित रूप से व्याख्या कर सके। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आपका यह दायित्व है कि आप शिक्षार्थियों की सहायता प्रदत्तों की व्याख्या करने में करें। अगला चरण है परिकल्पना का प्रतिपादन करना। यदि आप किसी समस्या से संबंधित हैं तो उस समस्या का कोई ना कोई संभावित समाधान भी आपके मस्तिष्क में होता है, तो किसी भी समस्या का संभावित समाधान देना भी वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु तो एक बुनियादी कौशल है। किसी भी समस्या के लिए पूर्व कथन देना, अर्थात प्रदत्तों तथा मापन चरों में सहसंबंध व्यक्त करना भी आवश्यक होता है। जब आप किसी भी समस्या पर कार्य कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उस समस्या के अंदर कहीं ना कहीं कार्य एवं कारण संबंध होता है। उस कार्य एवं कारण संबंध के आधार पर वहाँ पे बहुत सारे चर उपस्थित होते हैं, तो उन चरों में आपस में क्या संबंध है, कौन सा चर कार्य है और कौन सा कारण है, तथा उनको आपस में किस तरीके से नियोजित करते हुए हमें अपने प्रयोग को संचालित करना है, यह भी कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रयोग करते समय आपने किन किन पदों की परिभाषा की है उनके बारे में भी विस्तृत रूप से चिंतन करना वैज्ञानिक अन्वेषण का एक मुख्य कौशल है। विभिन्न चरों का जिनका आपने प्रयोग किया है उन चरों के बारे में विस्तृत परिभाषा करना भी वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। किसी भी वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त हो रहे विभिन्न चरों की क्या भूमिका है, कौन सा चर कार्य है और कौन सा चर कारण है, इसका उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में एक शिक्षार्थी को संलग्न होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बुनियादी कौशलों से निपुण होना आवश्यक है। यदि हम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझना चाहें तो हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र में सर्वप्रथम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया अवलोकन से प्रारंभ हो रही है। अवलोकन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है और प्रत्येक शिक्षार्थी को लगातार अपने परिवेश में अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन के द्वारा वह विभिन्न सूचनाएं एकत्र कर सकता है और उन सूचनाओं से ही कहीं ना कहीं उसके अंदर समस्या का भाव उत्पन्न होता है। उसे लगता है कि हाँ, इस विषय पर कोई समस्या है। उस समस्या के आधार पर वह प्रश्न करता है। प्रश्न करने के उपरांत वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि वह उस प्रश्न या उस समस्या से संबंधित विभिन्न साक्ष्यों को एकत्र करे। साक्ष्यों को एकत्र करने की प्रक्रिया प्रायोगिक प्रारूप के द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण करते हुए कोई भी शिक्षार्थी अपना कार्य आगे बढ़ाता है। विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण करते हुए विभिन्न प्रकार के चर प्राप्त होते हैं एवं उन चरों के बीच में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे चर हैं जो आपस में संबंधित हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, यह प्रक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। विश्लेषण करते हुए हम आगे परिकल्पना के निर्माण पर पहुंच जाते हैं। परिकल्पना किसी भी समस्या का संभावित समाधान होती है और उस परिकल्पना का जांच हम अपनी संपूर्ण वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में करते रहते हैं और जो साक्ष्य हमें उपस्थित हुए थे उन साक्ष्यों के आधार पर हम अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और इस प्रकार जब हम निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं तो हमें
उस विषय, उस प्रश्न या उस समस्या के विषय में उपयुक्त सूचना प्राप्त हो जाती है और उस सूचना के आधार पर हम उस विषय या उस नियम को पुनः व्यवस्थित रूप में परिभाषित करने में सक्षम हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में अपनी भूमिका करते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जानें कि कोई भी प्राप्त ज्ञान अंतिम ज्ञान नहीं होता एवं उसकी सत्यता की परख आवश्यक होती है। यदि हम वैज्ञानिक नियमों एवं प्रत्ययों की बात करते हैं तो विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर यह संभव है कि हम विभिन्न प्रकार के नियमों एवं प्रत्ययों की सत्यता की जांच अपनी कक्षा में कर सकें। और वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भी नियम एवं प्रत्यय को अपने द्वारा अपनी विधि से जांच कर उसकी सत्यता की परख कर सकते हैं। अतः एक शिक्षार्थी के रूप में यह आवश्यक हो जाता है कि आप विज्ञान के नियमों एवं प्रत्ययों को केवल याद करके रट कर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में लिखने का प्रयास ही ना करें, अपितु आप यह प्रयास करें कि विज्ञान के जो नियम, जो प्रत्यय, जो सिद्धांत प्राप्त हैं उनकी सत्यता की परख स्वयं करके देखें। स्वयं करके देखने से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है और एक वैज्ञानिक अधिगमकर्ता के रूप में आपकी विज्ञान विषय में रुचि भी बनी रहती है। एक विज्ञान शिक्षक के रूप में हमारा ये दायित्व होता है कि विज्ञान विषय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो बुनियादी कौशल एक शिक्षार्थी में उत्पन्न होने चाहिए, उन कौशलों के उपयुक्त रूप से विकास के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति को अपनी कक्षा में प्रयुक्त किया जाए एवं विज्ञान के विभिन्न प्रत्ययों एवं नियमों का सत्यापन इस विधि को करते हुए किया जाए। इस प्रकार यह आवश्यक है कि विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी आपस में संलग्न होते हुए विभिन्न प्रकरणों पर वैज्ञानिक अन्वेषण का प्रयोग करें एवं अधिगम को स्थायी रूप से प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद।